दुकानदारों ने दी सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी। शहर के हाउसिंग कॉलोनी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर के दुकानदारों को दुकान खाली करने का नोटिस पिछले दिनों दिया गया था, जिसके बाद कॉलोनी के दुकानदार काफी आक्रोशित हैं। इस बाबत दुकानदारों ने शुक्रवार को अपने दुकानों के सामने खड़े होकर हाउसिंग बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर उपस्थित दुकानदारों ने बताया कि वो लोग 30 से 35 साल से हाउसिंग कॉलोनी में अपने दुकानों का संचालन कर रहे हैं। ऐसे में हाउसिंग बोर्ड द्वारा अचानक से दुकान खाली करने का नोटिस तथा उनके दुकानों का अवैध बताना सर्वथा अनुचित है। हाउसिंग बोर्ड के इस तालिबानी आदेश का वो लोग विरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर दुकानदारों के साथ जबरदस्ती की जाती है तो हाउसिंग बोर्ड के दुकानदार सामूहिक रूप से आत्मदाह करने को विवश हो जाएंगे। अगर ये डिस्प्यूटेड था तो जिस वक्त हम लोग दुकान 27 साल पहले खरीदे हैं, तो जिस वक्त हम खरीद रहे थे उस वक्त एक नोटिस दे यहाँ बोर्ड टांग देता कि ये जमीन जो है डिस्प्यूटेड है, आप खरीद या बिक्री मत कीजिए। तो 27 साल के कोई 30 साल कोई 32 साल से यहाँ हम लोग का दुकान है और अचानक बोल दे कि हम मेरा दुकान और मैंने आप लोग खाली कीजिए तोड़ेंगे, ऐसे थोड़ी होता है, वो भी 24 घंटा के अंदर में। तो इसके लिए क्या आप लोग कोर्ट उठ कहीं पे भी और हम लोग हाँ हम लोग किए हुए थे, रांची भी गए थे, तो सिर्फ आश्वासन मिलता है बोली में लिखित में। पासपोर्ट को दोबारा दीजिएगा, है ना, नापी उपी सब किया हम लोग से, सदा आधार कार्ड और हम लोग का एग्रीमेंट, हम लोग का रेंट सब लिया है, सब कुछ लिया है, हम लोग रिसीविंग लिया है, 3 बार नापी किए हैं रांची से आगे बिजली बिल का कॉपी सब लेके गए। और हम लोग को कहा गया था कि अब भाड़ा आपसे हम लोग लेंगे, हाउसिंग बोर्ड भाड़ा लेगा। ये बात मुख्यमंत्री जी जो पिछले मुख्यमंत्री थे हमारे वजह से, उन्होंने भी इनको कहा था कि अब आप इनको हटाइए मत, इनसे भाड़ा लीजिए, ठीक है, लोग 32-33 साल से हैं, 31 साल से हैं, तो अब इनसे हटाइए मत, इनको हटाया नहीं जाएगा, इनसे भाड़ा